खंडवा में राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सोसाइटी सेल्समैन की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां राशन की दुकान पर किसी भी तरह के कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम नहीं है, गोले नहीं बनाए गए हैं, ना ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। भीड़ लगाकर लोगों को राशन दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बेटमा क्षेत्र में 4 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिससे बेटमा क्षेत्र में अभी भी दहशत का माहौल है। मगर राशन दुकान के सेल्समैन की मनमानी के चलते बेटमा को इसका काफी बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देख तहसीलदार नीरज प्रजापति मौके पर पहुंचे और उन्होंने सोसाइटी सेल्समैन अजय सिंह चंदेल को फटकार लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का उपयोग एवं गोले बनाने के दिशा निर्देश दिए। दीपालपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। मौके पर पहुंचा राशन दुकान में तो काफ़ी 150-200 लोगों की आसपास भीड़ लगी हुई थी, और जो सेल्स मैनेजर वहां पर थे उनसे बात करी गई, उनको हिदायत दी मैंने कि आप दिन में जितने कर सकते हैं ग्राहक, जिनको राशन दे सकते हैं, सिर्फ उतने ग्राहकों के टोकन बंटवा दीजिए। तो मैक्सिमम हमने 50 टोकन फिक्स कर दिए हैं कि दिन में सिर्फ 50 टोकन ही बांटे जाएंगे और 50 ग्राहकों को राशन दिया जाएगा, क्योंकि साइड भी कभी बिजी चलती है तो कभी 50, 60, 70, 80 ऐसे हो पाते हैं, और कभी 40 तक भी रह पाते हैं। तो एक एवरेज लेके हमने 50 टोकन बांटे हैं। हाँ, इसलिए हमने 50 टोकन बांटे, और ये भी बोला है कि सब एक एक हाथ छोड़कर लाइन में लगेंगे। सब जेंट्स की लाइन अलग लगेगी और लेडीज़ की अलग रहेगी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर सब रखने की व्यवस्था के बारे में उनको समझाएंगे। अगली बार अगर इनमें जितनी भी जो है जो नियम अनुसार अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो इनके ऊपर फिर दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी हमको। हम 188 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बार बार समझाने पर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे प्रशासन को।